कांग्रेस के टॉप सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी अप्रैल एंड में अमेठी से और बहन प्रियंका वाड्रा रायबरेली से नामांकन भर सकती हैं। दोस्तों मेरे बड़े बेसिक सवाल है, दोस्तों इसकी खबर को मीडिया में देने की टाइमिंग समझिए। क्या वायनाड जहां 48% मुस्लिम वोट है, कांग्रेस को डर है कि वो वोट छिटक ना जाए, इसीलिए कांग्रेस ने वायनाड की वोटिंग तक इंतजार किया? या दोस्तों राहुल को डर है कि वायनाड में भी इस बार मुकाबला पहले जितना आसान नहीं है, इसीलिए वो अमेठी पहुंचना चाहते हैं? दोस्तों मैं ये कहता हूं कि ये इनमें से कुछ नहीं है, बात कुछ और ही है। दोस्तों आज आपने एक बात पर गौर किया होगा, अखिलेश यादव जी ने खुद कन्नौज से चुनाव का पर्चा भरा, मतलब अखिलेश जी ने बाकी अलायंस के नेताओं में मैसेज दे दिया, अब मैदान में आओ। तो क्या अखिलेश यादव को ऑपोजिशन का बड़ा नेता बनते देख कांग्रेस कैंप घबरा गया दोस्तों, और उसी दिन राहुल जी के चुनाव लड़ने की खबर को मीडिया में प्लेस किया। टाइमिंग समझिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज ही सुबह कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया हो। आपको याद है दोस्तों कि यूपी कांग्रेस ने 10 मार्च को रेजोल्यूशन पास किया था कि गांधी परिवार को अमेठी रायबरेली से उतारा जाए। आज 25 अप्रैल को ही क्यों कांग्रेस ने यह बात मीडिया के अंदर प्लांट करी है, डिक्लेयर करी है, मीडिया में खबर आई? सोचिए टाइमिंग, जिस दिन अखिलेश यादव कन्नौज, क्योंकि अखिलेश यादव ने कन्नौज के नामांकन भरते वक्त कहा अब तो सबको आना पड़ेगा, और अब मैसेज ये शायद जा रहा था कि इंडिया अलायंस का असली नेता इंडिया आउटलैंड में कांग्रेस के नहीं, राहुल गांधी जी नहीं, अखिलेश यादव जी हैं। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल तक तो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से लड़ने की तैयारी कर चुके थे, सब तरफ पोस्टर्स लग चुके थे, मतलब मुझे साफ लग रहा है दोस्तों कि कांग्रेस कैंप में ऑपोजिशन के लीडर कोई और ना बन जाए, क्या इसकी इनसिक्योरिटी आ गई है दोस्तों? सोचिए, वरना अमेठी और रायबरेली जहां कांग्रेस एक बार हार चुकी है, और रायबरेली जहां कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 70% से घट के दोस्तों 55% पे आ गया है, वो भले गांधी परिवार की सेफ सीट कैसे हो सकती है दोस्तों? अमेठी रायबरेली का जवाब आपको कन्नौज में छुपा मिलेगा दोस्तों। कांग्रेस के शहजादे इतने चिंतित हैं कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है, घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। वे नामदार है, हम तो कामदार है। लड़ने की बारी आई है तो हमारे आराध्य याद आए। अरे जब भगवान के साथ भी छल कर दे वो इंसान का क्या खाक हो पाएगा। अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। आने दो तो इस बार राहुल जी भी नापे जाएंगे। वहाँ का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि अमेठी और रायबरेली से प्रियंका जी और राहुल जी दोनों चुनाव लड़े, और राहुल गांधी की पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। अमेठी लड़ने से क्यों डर रहे हैं? पूरी अमेठी, अमेठी का जनजन राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहा है। एक शुभ घड़ी में, एक तय घड़ी में अमेठी आएंगे। उसी विरासत को बचाए रहने का प्रयास जो है श्रीमान राहुल गांधी भी कर रहे हैं और प्रियंका वाड्रा भी कर रही हैं। दोस्तों मेरे साथ देश की नंबर वन बहस में के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, आनंद दुबे शिवसेना, उद्धव सेना शिवसेना के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, और एके वाजपेयी जी एलजेपी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन। आप सभी का स्वागत इस डिबेट की शुरुआत में करना चाहता हूं। अजय उपाध्याय जी,
घनश्याम जी के जी के साथ में, पहले अजय उपाध्याय जी के साथ करूंगा। और आज मैं चाहूंगा आप सभी अपनी बात एक एक मिनट में रखें, मुझे आप सबके पास ज्यादा बार आना है और मैं डिबेट चाहता हूं थोड़ी पेशी रहे। अजय उपाध्याय जी मुझे बताइए, अच्छी बात है मैं तो कहता हूं आपके कार्यकर्ताओं के लिए कि राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वायनाड के चुनाव खत्म होने का इंतजार क्यों किया गया। क्या इसीलिए क्योंकि वायनाड की डेमोग्राफी है भैया 48% मुस्लिम वोट, 10% क्रिश्चियन वोट और इस बार वहां पे ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट है। मुझे टाइमिंग समझाइए, आज ही के दिन जो है क्यों ये डिक्लेयर किया। अखिलेश यादव जी मैदान में उतर चुके हैं, उनने सबको कह दिया मैदान में उतरो और आपको लग रहा है अपोजिशन का नेता कोई और ना बन जाए। सच की बात बताइए आज अजय जी आप मुझे। प्रदीप भाई पहले तो आपको धन्यवाद, एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के आप आए, कई दिनों बाद कम से कम डिबेट का डायरेक्शन बदलने का प्रयास किया। अलग बात है कि वो डिबेट के अंदर भी बहुत सारे डिबेट आपने पैदा किया, एक पत्रकार की काम भी होता है और होना भी चाहिए। जहां तक बात कांग्रेस की बात है, राहुल जी की बात है, वायनाड की बात है, मुस्लिम उसमें कितने परसेंट है, मुझे लगता है कि ये सब चर्चा का केंद्र नहीं है। अखिलेश जी कन्नौज से लड़ रहे हैं, अग्रिम शुभकामना, भारी मतों से वो जीतेंगे। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा सफाया के कगार पर है, सबको पता है। जहां तक ये निर्णय का सवाल है, अभी निर्णय कुछ नहीं हुआ है। पार्टी की हमारी केंद्रीय जो चुनाव अभियान की जो इलेक्शन कमेटी होती है, वो इलेक्शन कमेटी तय करती है कि कौन व्यक्ति कहां से उपयुक्त होगा और किसको कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। कभी भी कैंडिडेट अपने आप को तय नहीं करता, कभी भी पार्टी का कोई नेता नहीं तय करता, प्रवक्ता नहीं तय करता और मीडिया नहीं तय करती। मुझे ऐसा लगता है भाजपा में चूंकि दो लोग हैं, वहां से चीजें प्लांट होती हैं और वो स्टोरी बनती है। एक बात जरूर साथ में मुझे दिख रहा है, बड़ा भय दिख रहा है, डरा हुआ छटपटाहट दिख रही है। अभी स्मृति जी का कुछ आपने स्टेटमेंट दिखाया है, चेहरे पर विस्मृति का भाव आने लगा, जैसे राहुल गांधी जी का नाम वहां आने लगा। ये सच्चाई है। रायबरेली की बात आपने की है, रायबरेली से कांग्रेस पार्टी वर्षों से कभी नहीं हारी है, जो आपने अपने प्रबोधन में बात रखी। तो मुझे लगता है कि रायबरेली अमेठी कांग्रेस के और गांधी परिवार के साथ जीता है, उन्हीं के साथ वो आगे चलता है। ऐसा ठीक है अजय जी, आपने उनके सपने हैं जी। अजय जी आपने अपना ओपनिंग आर्गुमेंट दिया, मैं केके जी के पास आना चाहता हूं और घनश्याम जी के पास आऊंगा मैं। अजय जी कह रहे हैं कि भाई अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, पर केके जी मेरी बात यह है कि देखिए राहुल गांधी लड़े, प्रियंका जी लड़े, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वो सीट को आप सबको समझने की जरूरत है। आऊंगा इसके बाद घनश्याम जी और एके वाजपेयी जी आपके साथ। अमेठी के अंदर कांग्रेस पार्टी का 72% वोट शेयर, 70% क्रॉस करता था वोट शेयर 2009 में, अब वो घटके जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ऊपर हो चुका है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो गढ़ है, क्योंकि पिछली बार वो ब्रीच हो चुका है। रायबरेली में 70% से ज्यादा कांग्रेस पार्टी 2009 में वोट लेके आई थी, अब जो है वो वोट घटके 55% हो गया है, हर 5 साल में 9% घट रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि रायबरेली से जो कांग्रेस पार्टी है वो चिंतन में है कि वापस से गांधी परिवार को उतारा जाए कि नहीं। पर मैं जानना चाहता हूं केके जी, क्या आप लोगों के अंदर घबराहट आ गई कि अगर ये लोग मैदान में उतर जाए तो वापस से सीट इनके पाले में जा सकती है? केके जी देखिए, एक ख्वाब पाल के यदि कांग्रेस के लोग बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बतौलेबाजी ही कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु स्थिति इनको ही पता है। अब रही बात, लोकतंत्र में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है प्रदीप जी, इसमें कोई दो मत नहीं। पर जब आप निर्णय करते हैं तो आपके निर्णय में प्रश्न उठते हैं, आपके निर्णय में ये दिखता है कि आप जनता को कितना बेवकूफ समझते हैं। इस लोकतंत्र में आपकी मानसिकता ये है कि जनता जो है कुछ नहीं समझती है, हम जो करेंगे वो ठीक है। सबको पता है कि आप जो है वायनाड क्यों भागे, क्योंकि अमेठी आप हार गए थे, इसलिए आप वायनाड भागे। अब जब तक आप वायनाड में वोट ना पड़ जाए तब तक आप ये दिखाना नहीं चाह रहे हैं कि हम अमेठी से लड़ रहे हैं। तो ये जो आपकी चालाकी है ये वायनाड वाले भी समझ सकते हैं और अमेठी वाले तो समझेंगे ही जब आप अभी आते हैं तो, कि आप वहां क्यों नहीं गए, क्योंकि आप तो वायनाड में कांग्रेस पार्टी का झंडा भी नहीं लगा पा रहे हैं। जितनी रैलियां हुई कहीं झंडा दिखा आपको कांग्रेस का? क्योंकि मुस्लिम लीग नफरत करती है तिरंगे के उससे, तो इस कारण से डर के झंडा नहीं लगाते वहां पर ये। अब मुस्लिम लीग और इनके झंडों पर ये वहां चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वहां के मुसलमान इनसे जो है ना वो ना कर जाए। मैं तो आप बेवकूफ। अब दूसरी बात, मैं एक बात और कह दूं जी, इन्होंने आए अमेठी बिल्कुल स्वागत है, वो एक पिछली बार हारे, इस बार उससे ज्यादा हार के जाएंगे। रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली की भी स्थिति बड़ी आश्चर्यजनक है। सोनिया गांधी 5 साल राज्यसभा से संसद में काम कर सकती हैं,
लेकिन रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। पहले चिट्ठी लिख दिया उन्होंने कि मैं अब जो है आपको नमस्ते कर रही हूं, अब मैं आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, अब मैं राज्यसभा से आ रही हूं। इसका अब वो राज्यसभा से आ गई क्योंकि लड़ने की हिम्मत रायबरेली से सोनिया गांधी को नहीं थी। सोनिया गांधी डर के भागी वहां से क्योंकि इस बार रायबरेली भी हारती हो। मैं आना इसलिए देखिए क्योंकि कोई राजनीतिक संन्यास नहीं लिया। मैं डिबेट को खोलूंगा पर 10 सेकंड में अभिषेक, मैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी आपको मौका देना चाहता हूं सिर्फ 10 सेकंड की, मुझे डिबेट को खोलना है, अदरवाइज डिबेट खुलेगी नहीं, ओपन नहीं होगी। अजय उपाध्याय जी, ये नैरेटिव है तभी बस्ट हो सकता है जब आप गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को रायबरेली और अमेठी से दोनों से चुनाव लड़ा दे, क्योंकि अदरवाइज मैसेज जा रहा है कि गांधी परिवार डर रहा है अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए इंतजार कर रहा है। देखिए बौखलाहट किसमें है और कितनी डर है किसमें, भय कितना है, ये दिख रहा है, आपके चैनल पर भी दिख रहा है, भाजपा के साथियों में भी दिख रहा है, प्रधानमंत्री जी के भाषणों में भी दिख रहा है। निरंतर जनता समझ चुकी है धोखा देने वालों को, जुमले पढ़ने वालों को और झूठ बोलने वाले को। मैं तो इस बार रायबरेली की जनता भी अमेठी की जनता भी मुंह तोड़ जवाब देगी। आप भी चाह रहे हैं कि वो लड़े, कार्यकर्ता भी वहां लड़ेगा, सामान्य कार्यकर्ता भी कांग्रेस का लड़ेगा, तो भी वहां से भाजपा का सफाया होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार के प्रति उनका जो जी 10 सेकंड को डिबेट खोल भी बना रहे जी। प्रदीप जी 10 सेकंड दूंगा मैं जी। इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सोनिया गांधी जो राज्यसभा से तो 5 साल का राज्य सांसद बनेंगी लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाए, हो सकता है उनकी वो क्यों है, ये डर इसलिए है कि एक सीट भी जो बची थी, जो उत्तर प्रदेश में एक सीट इनको मिली थी, वो सीट भी इस बार खत्म होनी है। तो रायबरेली से सोनिया गांधी ये दाग नहीं लेना चाहती, ये दाग नहीं लेना चाहती। अजय जी जी को लाना चाहूंगा, अजय जी मुस्कुरा रहे, बुक दिख रहा है शर्मा जी का, अजय जी इससे मुस्कुरा रहे, अजय जी और उसी रायबरेली, अजय जी और केके जी मुस्कुरा मुस्कुरा के एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे हैं। अब मुस्कुराहट मैं मुस्कुराहट में ठीक है। केके जी आप दोनों से मैंने प्लीज डिबेट को खोला, मुझे एक प्रोफेसर को अब एके वाजपेयी जी और श्याम जी के पास आने दीजिए। आप दोनों मुस्कुरा रहे एक दूसरे से, मुझे पता है ऐसा ना व्हाट्सएप एक्सचेंज हो जाए, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ ऐसा व्हाट्सएप मेरे को आज घनश्याम जी और मैं एके वाजपेयी जी के पास आना चाहता हूँ। मैं आज ना फिटनेस वर्कआउट कर रहा था, ध्यान से सुनिए घनश्याम जी, और घनश्याम जी इतना सीरियस मत होइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, बहुत सीरियस हो जाते हैं आप। आज तो खुश होना चाहिए आपको, कन्नौज से अखिलेश यादव जी मैदान में, कुछ मुस्कुराहट दिखा दीजिए, इतने सीरियस हो जाते हैं आप जिस दिन पे जो है कन्नौज से अखिलेश यादव यहाँ आप थी, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मुस्कुराहट चेहरे पे अच्छी लगती। सुनिए मैं बताता हूँ, एके वाजपेयी जी और घनश्याम जी, आज मैं वर्कआउट कर रहा था जिम में, तो मैंने अपने ट्रेनर का नाम है चिरंजीव, उसने मुझे बोला कि भैया अगर आपको सैम होने का मौका दिया जाए तो बी सैम मानेकशॉ, डोंट बी सैम पिट्रोडा। तो क्या कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को लग गया है कि सैम पिट्रोडा के बयान के बाद हालत पूरी पस्ती हो चुकी है ग्राउंड पे, जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुका है घनश्याम जी, इसीलिए अब अपने चुनाव को बचाने के लिए अखिलेश यादव जी ने दारोमदार संभाला है और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को मैदान में उतारने के प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि आप बैकफुट पे आ चुके हैं। घनश्याम जी 1 मिनट एंड देन एके वाजपेयी जी। नमस्कार प्रदीप, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, क्योंकि आपने सैम पिट्रोडा की बात की, आप सभी लोग जानते होंगे ये व्यक्ति कौन है। मुझे लगता है कि इसको पूरे देश को जानना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार के सबसे अमीर मंत्री हैं। हुरून लिस्ट कहती है कि ये देश के 600 सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं, 1400 करोड़ की इनकी संपत्ति है, और लंदन में मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 120 करोड़ का इनका घर है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है कि इन्होंने 680 रुपये टैक्स दिया। आपके हर दर्शक को सुनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार का सबसे अमीर मंत्री, देश के 600 सबसे अमीर लोगों में शुमार, और 680 रुपये टैक्स जो कि आपके सिलेंडर की कीमत का आधा है। तो जब इस बात पे बहस होती है कि देश में जो अकूत अमीर हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने खूब सारा पैसा दिया है, जिनके लोन माफ किए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ चंदा दिया है, आपके जितने दर्शक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो भी नहीं जानते होंगे एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसने भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ का भी चंदा दिया हो। भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ का चंदा मिला है। खैर, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट है जो कि भारत की असमानता के बारे में कहता है, और ये कहता है कि हमारे देश में 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की 25% संपत्ति है, और हमारे देश के 50% ऐसे लोग हैं जिनकी औसत संपत्ति केवल 1,73,000 है। औसत संपत्ति आय नहीं,
और ये मोदी जी का एक दिन का खर्चा 1,73,000 से ज्यादा होता होगा। खैर उसे छोड़िए, जिस देश में इतनी गरीबी है, जहां पर 1,00,000 लोगों के पास 25% संपत्ति है, अगर किसी ने कहा कि विरासत पे टैक्स करके इनमें से कुछ संपत्ति जो मोदी जी अपने मित्रों को देते आए हैं, जिनको सबसे अमीर बनाते आए हैं, उनकी कुछ टैक्स के माध्यम से उनकी कुछ सेवा देश के गरीबों को मिले, तो क्या ये देश के संविधान का अपमान है? हाँ। क्या ये देश के गरीब का अपमान है? हाँ। आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जहां 1,400 करोड़ की संपत्ति वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे अमीर मंत्री 680 रुपए टैक्स देता है, 680 रुपए भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य अमीर मंत्री हैं, मीडिया रिपोर्ट से मुझे व्हाट्सएप करिए, जो कि 100 करोड़ से ज्यादा। जी मैं चाहूंगा कि वो प्लीज मीडिया रिपोर्ट को आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप इसको जी आप मुझे आप इसको गूगल कीजिए, आप गूगल कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आप सुन लीजिए, आपके आपका रिसर्च टीम गूगल कर सकता है, इंडिया टॉप 1% इनकम राजीव चंद्रशेखर, ये राजीव चंद्रशेखर जी की बात को आप नहीं मानते क्या? आपको क्या लगता है बेस्ड ऑन एनी थर्ड पार्टी? क्या बात, ये न्यूज चैनल है या चौपाल है, क्या बात करते हैं प्रदीप? हर एक मीडिया ने इसको छापा है, ये उनके इलेक्शन एफिडेविट से है, आप दर्शकों को गुमराह नहीं कर सकते। के जी ये उनके इलेक्शन एफिडेविट से है कि उन्होंने 680 रुपए जिस टॉपिक से डिटेल करके अगर इसका जवाब देना है तो के शर्मा जी को देने चाहिए, देने दीजिए। नहीं वो तो चलिए है, पर मैं कह रहा हूँ जो रिपोर्ट दे रही है प्रदीप जी मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, एके वाजपेयी जी आएंगे इस पे, ठीक है, घनश्याम जी जवाब मैं देता हूँ, मैंने आपका कांस्टेंट कार्ड देखा, एक सेकंड, मैंने कांस्टेंट देखा, जब भी जो टॉपिक मैं पूछता हूँ ना वो टॉपिक के अलावा आप हर पॉइंट को बात करते हैं। सैम पिट्रोडा, आपने सैम पिट्रोडा की बात की, मैंने उसके आधार पर जो इनकम इनइक्वालिटी है उसकी बात की, ये टॉपिक से अलग कैसे है? आपने इनकम इनइक्वालिटी का जवाब दिया है। एके वाजपेयी जी इनकम इनइक्वालिटी की ये बात कर रहे हैं, जब कि ये इनकम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे लेकर सरकार डिसाइड करके गरीबों को देने की ये बात कर रहे हैं, जैसा लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट एरियाज के अंदर होता, तो अभी तक सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड नहीं हुआ। एके वाजपेयी जी देखिए देखिए मीडिया रिपोर्ट की बात करें, इसका जवाब केके जी देंगे, एके वाजपेयी जी के पास मैं जवाब देता हूं। देखिए प्रदीप जी, पॉलिटिकल लाइफ, जब पब्लिक लाइफ में जब पॉलिटिकल लीडर होते हैं तो जनता को गुमराह नहीं करते हैं, अगर गुमराह करेंगे तो इसी वजह से उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। ये घनश्याम बाबू तो बहुत इंटेलिजेंट है, बाहर पढ़ के आए हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनिस्टर जब बन जाता है तो कोई काम धंधा नहीं कर सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो उनके पुरखों ने जो कमाई होगी या ये पहले बिजनेस करते होंगे उस वक्त के डाटाज हैं, आज की डेट में उनकी इनकम नहीं है इसलिए 680 रुपए का टैक्स दिया, इसमें क्या गड़बड़ है? मतलब एक पहलू के कई पहलू होते हैं, जरा चीज समझिए, इतनी आसानी से आप गुमराह नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मतलब कमाल हो गया भाई। इसी तरह ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वायनाड के जब पोल खत्म हो जाएंगे उसके बाद वो अनाउंसमेंट करेंगे, ये क्या ट्रिकी पॉलिटिक्स हो रही है क्या? जनता को इतना गुमराह थोड़ी कर सकते हो भाई, जनता सर्व संपन्न है, अपना कमाती है ईमानदारी से और काम करती हो और सारी चीजों को समझती है, इसीलिए ही उसको पता है कि कौन असली है कौन नकली है। और कांग्रेस को क्यों सत्ता मिल जाएगी दोबारा, मुझे ये नहीं समझ आता, कांग्रेस को सत्ता से सिर्फ इसीलिए हटाया था कि भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और 60 साल का इतिहास देखिए वो दाग अभी तक छूटे नहीं है, चाहे वो सिखों की हत्या है, चाहे वो और बाकी गरीबी हटाओ का नारा दिया, या इंदिरा गांधी जो 335 ग्राम कल शर्मा जी हमारे मित्र बता रहे थे सोना दान करके बड़ा भारी वो कर रहे थे, तो इन चीजों को जनता भूली नहीं है, प्लीज गुमराह ना करिए। मेरा पॉइंट आनंद दुबे जी के पास आने का, अभी तक मैं आऊंगा घनश्याम जी पर, आनंद दुबे जी के पास अभी तक नहीं आया हूं, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हमेशा, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करेंगे तो मेरे को उसी डेटा के हिसाब से समाजवादी पार्टी को 10 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड मिला था पोस्ट के द्वारा, अननोन डोनर्स द्वारा, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में मत जाइए राय, आप कन्नौज की बात क्यों नहीं कर रहे? आप कन्नौज की बात नहीं कर रहे, मैं अचंभित हूं, कन्नौज की बात नहीं कर रहे, आप ये नहीं कह रहे कि अखिलेश यादव जी जीतेंगे, आप ये नहीं कह रहे कि रायबरेली से गांधी परिवार जीत सकता है, आप बिल्कुल अचंभित है, आप रायबरेली और कन्नौज को डब कर रहे हैं इस डिबेट में, क्या बात है ये, मैं तो शॉक्ड हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि आप डक कर रहे हैं कन्नौज और रायबरेली को। आनंद दुबे जी के पास आऊंगा इसके, जल्दी 20 सेकंड घनश्याम जी, फिर आनंद दुबे जी, केके जी और अभिषेक जी का।
आपने एक मिनट में जवाब देने के लिए जो सवाल पूछा था उसका जवाब दिया था, और मुझे इसका आश्चर्य है, ये आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी सरकार के सह प्रवक्ता ए के वाजपेयी जी कह रहे हैं यदि आपके पास 1400-1500 करोड़ की संपत्ति है तो आपका टैक्स केवल 680 रुपए होना चाहिए। ये आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ, यही है देश के में न्याय, यही है देश में न्याय कि आप सरकार के मंत्री हैं और इसीलिए आपका टैक्स जो है 680 रुपए होना चाहिए, आपके पास 1400 करोड़ की संपत्ति है। एके जी, मैं चाहता हूं ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, सब पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं और उनके जो आला कमान है वो पहले अपनी संपत्ति को अपने कार्यकर्ताओं में डोनेट करने का काम करें, फिर वो बात करेंगे बड़ी बड़ी रीडिस्ट्रीब्यूशन की। प्लीज लेट्स गेट टू द पॉइंट। अब मैं आऊंगा आनंद दुबे जी के पास में और केके जी के पास में और अजय उपाध्याय और प्रोफेसर उपाध्याय के पास में आऊंगा। मैं पहले मैं आना चाहता हूं केके जी के पास में और आनंद दुबे जी के पास में। केके जी, मैं मूड पॉइंट पे आऊंगा। आज मैं देख रहा हूं कि मैं शॉक्ड हूं कि घनश्याम जी डक कर गए कन्नौज के क्वेश्चन को, डक कर गए। मेरे को लग रहा था वो पहले बोलेंगे कि कन्नौज से हम भारी मतों से जीतेंगे, उनकी तरफ से ये बयान पहले नहीं आया। उन्होंने अपने डिबेट में आदमी वही आर्ग्यूमेंट को पहले डालने की कोशिश करता है जिसमें उसको लगता है कि वो आर्ग्यूमेंट में जीत सकता है। मतलब आज शायद ये मान रहे हैं कि भाई आर्ग्यूमेंट के अंदर जो मेन जीत है वो मेन जीत कन्नौज रायबरेली की बात करने की नहीं है, वो मेन जीत इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करने की, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करने की। आई एम शॉक्ड केके जी। नहीं, ये एक शॉक मत होइए, घनश्याम जी हकीकत को जान रहे हैं, क्योंकि इतना उलट पे इसी टिकट में कभी इनका भतीजा लड़ेगा, कभी राम गोपाल जी का बेटा लड़ेगा, कभी ये लड़ेगा, कभी आए दिन बयान देखते थे ना, अखिलेश जी भी खुद ही बयान दे रहे थे, अरे रुक जाइए मैं बता दूंगा, कुछ दिन में आपके सामने आ जाएगा कौन लड़े। जो अध्यक्ष है वही क्लियर नहीं था, इसीलिए क्योंकि इनको डर है वहां पर, ये जान रहे हैं कि वो सीट इनके हाथ से जो है निकलने वाली है नहीं, पहले भी वहां इनकी जो है भाभी जी हार चुकी हैं, तो भाई इसको पता है इनको कि उसकी उस सीट की हकीकत क्या है। और दूसरा, यदि ये प्रश्न करते तो अगला प्रश्न ही आता कि पति भी लड़ रहा है, पत्नी भी लड़ रही है, भतीजा भी है, भाई भी लड़ रहा है, दो दो जगह भतीजे भी लड़ रहे हैं, पूरा मुलायम खानदान मैदान में खड़ा है इस समय, तो यह जो इनका परिवारवाद का जो पूरा गुनगुनवा है वो मैदान में खड़ा है कि कम से कम एकाध तो भाग्य में आ जाए आनंद जी, क्योंकि पिछली बार 3 सीट थी, इस बार वो भी आसार से बाहर है, मैं तो सोच रहा है कम से कम एक सीट से आके, नहीं तो एकदम समाप्ति हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस से बुरा हाल होने जा रहा है आनंद जी। उस जगह पर नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहता हूं ना हम लोग बिल्कुल पॉइंट पर, आनंद जी और मैं एके वाजपेयी जी को लाऊंगा। केके जी, देखिए मैं कम से कम 7 से 8 डिबेट कर चुका हूं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, मैं आप चाहेंगे तो कोई अगर आप में से कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नया खुलासा कर दे तो मैं एक और डिबेट कर दूंगा, पर मैं आज चाहता हूं रायबरेली अमेठी के ऊपर फोकस किया जाए क्योंकि बड़ी बात है। और कन्नौज से आज मैं अखिलेश यादव जी को एक बात के ऊपर कांग्रेचुलेट करूंगा कि आज उन्होंने ऑपोजिशन के नेताओं को बता दिया कि पीछे से फाइट मत करो, सामने मैदान में आओ। तो क्या आज आनंद दुबे जी मानिए, एके वाजपेयी जी, आनंद दुबे जी, उसके प्रोफेसर आपके पास आ रहा हूं मैं, मुझे उसके बाद आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए आनंद दुबे जी, आज दिल पे हाथ रख के मैं चाहता हूं सच बोले, क्या अखिलेश यादव जी ने बताया कि भाई चुनाव मैदान में अगर लड़ना है तो सामने खुद मैदान में लड़ना होगा? अभी तक 10 मार्च से एके वाजपेयी जी लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी श्योर नहीं थी कि गांधी परिवार को मैदान में उतारना है। आज जिस दिन अखिलेश यादव जी का नामांकन हुआ उसी दिन डेट उसी दिन मीडिया के अंदर आ रही है बात की राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी मैदान में उतर सकते हैं, सेम डेट के ऊपर। क्या ये आनंद दुबे जी इनसिक्योरिटी आ रही है कि भाई ऑपोजिशन का बड़ा नेता कौन होगा, ये बड़ी बात है। प्रदीप जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबको लड़ने का अधिकार है, वायनाड भी भारत में ही है और अमेठी रायबरेली भी भारत में ही है। तो पहले तो यह बात मान लीजिए कि राहुल गांधी हो और चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या फिर जेपी नड्डा जी हो, सभी को चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतंत्र का पर्व है, उत्सव है, इसको खुशहाली से मनाना चाहिए। यदि आज अखिलेश यादव जी ने कन्नौज से पर्चा भरा है तो बड़े खुशी की बात है, वहां से अखिलेश यादव जी कम से कम 3-4 लाख वोट से ज्यादा से मतों से चुनकर आए गए थे, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक लोकप्रिय नेता, पिछली बार डिंपल यादव जी 1% वोट से हारी थी। यहाँ पर हारी 49% वोट पाठक जी को मिला था, 48। अरे तो कमाल है, लोकतंत्र में हार और जीत ही तो होगी, तीसरा तो कुछ होगा नहीं। आदरणीय राहुल गांधी जी भी 2019 में यदि अमेठी हार गए थे, इसका मतलब थोड़ी कि कोई जीत नहीं सकते दोबारा।
बता दें अखिलेश जी कितने से जीते थे, अखिलेश जी कितने से जीते थे यहाँ पर, कहाँ पर? इसी कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज से। कहाँ पर? कन्नौज से, जहाँ से आज फार्म भरे। डिंपल यादव जी लड़ी थी अखिलेश यादव, इसके पहले अखिलेश भी लड़ चुके हैं। वहाँ से डिंपल जी लड़ी थी, पूछिए कांग्रेस से, लड़ चुका है कि नहीं। आपको ज्यादा भूगोल पता है क्या? आप किसी के बात करते हो बीच में कूद पड़ते, इतनी तो सभ्यता रखिए प्रदीप जी। प्रदीप जी आप एक अच्छे एंकर हैं, लोकप्रियता है, ऐसे लोगों को जरा समझाया करिए डिबेट की गरिमा क्या होती है। जब कोई नेता, कोई प्रवक्ता बात कर रहा है, देश की जनता के सामने कह रहा है, तो ऐसे लड़ तो कहीं और उसके लिए मैदान बना है। नहीं है जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि 2019 में डिंपल यादव जी लड़े, आप वर्तमान में क्यों नहीं जीते हो यार? इतिहास की बात क्यों बार बार लाते हो? क्यों जेपी नड्डा को क्यों नहीं लड़वाते हो यार? इतने लोकप्रिय नेता देश के, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी चुनाव नहीं लड़ते हैं यार। बड़ा दुख होता है के शर्मा जी, और आप तो खुद लड़ना चाहिए, आपको भी, आप भी नहीं लड़ते हैं। जेपी नड्डा कितना चुनाव, कहाँ लड़ रहे हैं? नहीं, कहाँ लड़ रहे हैं? इसके पहले कहाँ लड़ रहे हैं? नहीं लड़े, कहाँ लड़ रहे हैं 24 में? और आप कहाँ से लड़ रहे हैं? आपको भी तो कहीं से लड़ना चाहिए यार। 80 सीट एक जगह से भी लड़ जाते तो कम से कम पता चल जाता कि आपकी लोकप्रियता कितनी है, आप कितना ज्यादा लोकप्रिय है। आपको तो लड़ना चाहिए था यार। बहुत दुख होता है, बड़ा दुख होता है शर्मा जी, आप कब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे यार? आप चुनाव लड़ो। खैर, मैं प्रदीप जी मुझे अगर संरक्षण दे तो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, मेन मुद्दे पे मैं आता हूँ। भंडारी साहब, यदि आप मुझे संरक्षण दे, इन्हें चुप करवाएं, चुप करवाएं, तो मैं दो चार सेकंड कुछ कह सकता हूँ। एबीसीडी नहीं पता है, आते हो ज्ञान बांटने, 4 लाख जीत रहे। भंडारी साहब, आनंद जी, आनंद जी बात, आनंद जी, आनंद जी चुप करो, आनंद जी मैं भी 2-4 सेकंड अपनी बात कह, आप तो बोल ही रहे हैं, आप और के जी बोल ही रहे हैं, लोकतांत्रिक बहस हो रही है। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ते हैं, प्रियंका जी रायबरेली से लड़ती हैं, तो इसमें किसको दुख हो रहा है भाई? कोई दुख नहीं है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। तो फिर मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या है। नहीं, तब क्या? मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या है, बताइए। मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या है, 100% लड़ना चाहिए। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ टाइमिंग को, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चाहता हूँ हर बड़ा नेता चुनाव में मैदान लड़े, जब नेता राज्यसभा से नहीं लोकसभा से। सुनिए मेरी बात, मेरा पॉइंट समझिए, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। मैंने तो आज पहली बार ऑन कैमरा अखिलेश यादव जी को कांग्रेचुलेट किया, घनश्याम जी ने भी नहीं कांग्रेचुलेट किया ऑन कैमरा, मैंने कांग्रेचुलेट किया कि भाई आपने जो है एक ऑपोजिशन के लिए एक पैरामीटर सेट कर दिया कि ऑपोजिशन में इंडिया अलायंस का वही नेता होगा जो इंडिया अलायंस के अंदर आएगा और चुनाव मैदान में लड़ेगा। आप देखिए, सपा के प्रवक्ता मेरे मित्र घनश्याम जी ने नहीं कहा ऑन एयर, मैं कह रहा हूँ ये ऑन एयर। पर मुझे दिक्कत है कि क्या राहुल गांधी एके वाजपेयी जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, उसके लिए एके वाजपेयी जी हो। एक सेकंड और सुनिए मेरी बात, पहले मैं लेटर पॉइंट बताना चाहता हूँ। 2014 में सुनिए मेरी बात, 2014 में सुनिए ना मेरी बात, 2014 में भी जो कन्नौज की सीट थी, किसी को नहीं रोका, मेरी बात ही कंप्लीट। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए, आपको किसी ने, आपकी बात ही हो रही, जल्दी 20 सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक अमेठी और रायबरेली के चुनाव का पर्चा भरने का समय बीता नहीं है, अभी समय है। तो हो सकता है कि कांग्रेस के रणनीति का हिस्सा हो, रणनीति बायनाट की वोटिंग के जस्ट 2 दिन बाद। ये मेरा क्वेश्चन है, अजय उपाध्याय जी से मैं लूंगा, अजय उपाध्याय जी से लूंगा। मेरा क्वेश्चन है टाइमिंग, 100% लड़ना चाहिए। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द बिल टू फाइट, क्या लेना देना है उससे, मैं वो पूछूंगा ना अजय उपाध्याय जी से, मैं आऊंगा। मैं एक सेकंड, मैंने बने रहिए, मेरे साथ में कन्नौज के एमपी, करंट एमपी, कन्नौज के करंट एमपी मेरे साथ जुड़ चुके, सुब्रत पाठक जी मेरी डिबेट पे, उद्धव सेना से आनंद दुबे जी, कांग्रेस पार्टी और साथ में समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार कन्नौज से अखिलेश यादव जी आपको 3.5 लाख वोट की मार्जिन से हरा सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो अखिलेश जी, 2014 से लगातार सपना देख रहे हैं और अभी उनका सपना पूरा होता ही नहीं है। तो सपना देने का अधिकार है और इनको सपना देखना भी चाहिए, सपना ही देखते रहे, बाकी जमीन पे तो काम हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि पिछली बार सिर्फ आपने ना विस्कर से जीत गए थे, 1% की वोट मार्जिन से जीते थे, डिंपल यादव जी को आपने हराया था, इस बार अखिलेश यादव खुद मैदान में और वो खुद आज दावा कर चुके हैं, मेरे सपा के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि भाई कन्नौज से समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो आप किस तरीके से इतना कॉन्फिडेंट है, डायरेक्टली क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव जी अगर देख रहे हो ये सब सुन रहे? तो
देखो कन्नौज का है ये संदेश कि डिंपल के बाद हार के जाएंगे अखिलेश। तो कुल मिलाकर आप एक बात समझ लो कि जब पिछला जो चुनाव था तो जो पिछला चुनाव सपा और बसपा का गठबंधन था, सपा बसपा के गठबंधन में डिंपल जी हारी थी, और डिंपल और अखिलेश में कोई फर्क होता है क्या? क्या कोई फर्क है डिंपल अखिलेश में? अगर फर्क है तो फिर डिंपल जी की पहचान क्या है? तो इसलिए देखो हमारे लोगों में पुरुष से ज्यादा अगर महिला लड़ रही है तो कोई भी पति होगा तो अपनी प्रतिष्ठा से ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा को मानता है, और स्वाभाविक है कि जब उनकी पत्नी आके ऊपर हारी तो ही तो दर्द है कि आके सुब्रत को हरा देंगे। तो मैंने जब उनको एक भ्रम था। कितनी मार्जिन का दावा कर रहे हैं आपकी क्या मार्जिन का दावा कर रहे हैं आप कन्नौज से? देखो कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी इतिहास लिखने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आप देखना जब 4 जून का परिणाम आएगा मार्जिन अखिलेश यादव कम से कम 2,00,000 वोटों से चुनाव हारेंगे। बड़ी बात है। मेरे साथ सुब्रत पाठक जी ने जुड़ा और सुने आप मैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी घनश्याम जी डिबेट में वापस आना चाहूं। मेरे साथ सुब्रत पाठक जी ने बड़ी बात कर दी दोस्तों, ये बड़ा न्यूज पॉइंट है इस वक्त का। मेरे साथ जी सुब्रत पाठक जी मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बड़ी बात है, इस पे मैं डिबेट को आगे ले जाना चाहूंगा। 2,00,000 की मार्जिन का दावा है। आनंद दुबे जी आप कह रहे हैं 3,00,000 की मार्जिन, ये आप 2,00,000 की मार्जिन का दावा कर रहे हैं। घनश्याम जी एक सेकंड में आऊंगा, मुझे अजय उपाध्याय जी प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी अभी तक नहीं आए मेरे साथ कुछ समय। मनीष कश्यप भी जुड़ने वाले जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। मैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी और एके वाजपेयी जी के पास आना चाहूंगा। देखिए प्रोफेसर मुझे सीधी बात बताइए, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूं, आज सच्चाई बताइए। कल रॉबर्ट वाड्रा के जी के पोस्टर, आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम मीडिया के अंदर सूत्रों के द्वारा प्लांट करने की बात, क्या इसीलिए कि अखिलेश यादव जी कन्नौज से आ गए? आपको अपोजिशन के नेता का क्लेम करना, अभी फॉर्मल भी लीडर ऑफ अपोजिशन आपको नहीं मिला है, सच्ची बात बता दीजिए प्रोफेसर। उसके बाद एके वाजपेयी जी के जी के पास आ रहा हूं, घनश्याम जी के पास आ रहा हूं। प्रोफेसर अपने ऑडियो को अनम्यूट करिए अपने ऑडियो को प्रोफेसर। हाँ अब बोलिए। मुझे बड़ा आश्चर्य प्रदीप भाई हो रहा है प्रोफेसर और एके वाजपेयी, अचानक सूत्रों के हवाले से मीडिया के पेट में इतना दर्द क्यों होने लगा? यदि राहुल गांधी जी प्रियंका जी लड़ेंगे, अभी तक तो आप लोग कहते थे कि भाई वो भाग गए, वो आएंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं, अब अचानक शुरू हो गया क्यों आ गए? अरे डर किसके पेट में, हमको समझ में आ रहा है। भाजपा के लोग डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से जहां से सत्ता इनको मिली थी, आज उत्तर प्रदेश के युवा जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 50,00,000 से ज्यादा लोग जिस तरह से पेपर लीक घोटाला हुआ, सड़कों पर नौजवान है और रोजगार की तलाश, रोजगार की मांग कर रहा है। हमारी यात्राएं जब उत्तर प्रदेश में आई थी, लगातार हम लोगों ने देखा, खुद हम उसमें सम्मिलित कई जगह थे, कैसे नौजवानों के भरोसे को तोड़ा है भाजपा ने। आज वो कहीं ना कहीं दर्द भाजपा के इन सांसदों पर भी दिख रहा है। जिस तरह सुब्रत पाठक ने अभी आपको ब्रेकिंग दिखाई, वो जितना बोला है उन्होंने आंकड़ा, देखिएगा अक्षर तक कम से कम उस आंकड़ों से वो हार वहां उनकी होगी। वाजपेयी जी से बड़ा मैं प्रभावित हूं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। चावल घोटाला शायद भूल गए जब मंत्री थे इनके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और अभी भी जिस तरह से टिकट घोटाला चल रहा है, भाजपा के ऐसे सीट लिया इन्होंने, चाचा को भगा दिया इन्होंने, और भतीजे ने जो है सीट भी जेडीयू के व्यक्ति को दे दिया, उनके बेटिया को दे दिया। बेटी मंत्री जेडीयू में और बेटी जो है लड़ रही है इनके। तो आप एके वाजपेयी जी, हम एके वाजपेयी जी आएंगे, पर मैं मूड पॉइंट बनाना चाहता हूँ केके जी के। मूल मुद्दों पर भी मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरे को समय कम है, बोलिए। हमारी पार्टी 2 लोगों से नहीं चलती है प्रदीप भाई। 2 लोग टिकट डिसाइड नहीं करते हैं। पहले प्रधानमंत्री ने अपना टिकट डिसाइड कर लिया, वो भी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात कर रहे हैं, अब जो है दूसरे की कर रहे हैं। नहीं नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड की डिसीजन हमारी, आप देख रहे हैं लगातार मीटिंग होती है, कल भी कुछ लिस्ट आई है। जैसे हमारा चुनाव का होता है नॉमिनेशन का डेट, उससे कुछ दिन पहले आप कह रहे वैसे होता है, ठीक है सुनिए, मैंने आपने कहा है वैसे होता है। एके वाजपेयी जी और घनश्याम जी के पास आऊंगा, फिर केके जी के पास मैं आ रहा हूं। आपको गुड न्यूज मिलेगा, मेरे को गुड, मेरे लिए कोई न्यूज गुड बैड नहीं है, मेरे लिए न्यूज न्यूज है। सुनिए, अरे मेरे लिए कोई न्यूज गुड और बैड नहीं है, मेरे लिए न्यूज न्यूज है। एके वाजपेयी जी आएंगे, केके जी आ रहा हूँ, एके वाजपेयी जी, केके जी, घनश्याम जी के पास आ रहा हूँ, आनंद जी के आ जाओ, मेरे पास क्विक, मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स इन द डिबेट है, मैं चाहता हूँ सब अपनी बात एक बार रख ले। एके वाजपेयी जी मेरा पॉइंट है कि क्या सनातन के ऊपर कांग्रेस बैकफुट पे आ चुकी है और इसीलिए जाके आज वो अपने मेन नेताओं को मैदान के अंदर उतारने का उसने फैसला किया, क्योंकि अभी तक नहीं कर पाई थी? एके वाजपेयी जी देखिए, खाली सनातन नहीं है, इनके पीछे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं और खासतौर से कांग्रेस के पीछे। और ये जिस पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो है, ये तुष्टीकरण बेस राजनीति कर रहा है। सबसे बड़ी जो नुकसान हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। आपको याद होगा कांग्रेस के वो ए के एंटनी साहब की रिपोर्ट आई थी 2014 में,
और उन्होंने साफ तौर से अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कांग्रेस का असर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, अभी भी उसी पे है। और 2017 में तो ये दोनों साथ साथ लड़े ही थे ना, अखिलेश भी थे और ये राहुल गांधी भी थे, क्या रिजल्ट निकला उसका? ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें लेकिन इनका इतिहास इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए आप ये ट्रिकी राजनीति पे आ गए। जो आपने टाइमिंग का क्वेश्चन किया है, टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल वहां वायनाड में वोटिंग है, उसके बाद ये यहाँ आके नॉमिनेशन की बात करेंगे। और जैसा अखिलेश करते रहे कि नहीं जी बताएंगे, पहले भाई को भतीजे को दे दिया, फिर भाई को दे दिया, फिर खुद लड़ने पहुंच गए, मतलब कंफ्यूज पार्टी है क्या? स्टेटमेंट देंगे तो सेल्फ गोल करेंगे, और अभी उपाध्याय साहब कौन से घोटाले की बात कर रहे हो? माइंड मत करना, रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 50 साल का राजनीतिक इतिहास जो है ना, बिल्कुल दामन पाक साफ है, बिल्कुल जरा सा एक छिटा भी नहीं है। इसलिए बोलने से पहले सोच लीजिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी बात, मेरे पास सिर्फ दस सेकंड मुझे फिर केके जी के पास और घनश्याम जी के पास आ। वाजपेयी जी एक वकील है और पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो जरूर उन्होंने हमारा हो सकता है कि मैनिफेस्टो पढ़ा हो। मोदी जी नहीं पढ़ पाते हैं बेचारे, सलाहकार जो उनको देता है सलाह वही करते हैं, अब बोलने में भी टेलीप्रॉम्प्टर जो काम कर रहा है उसी पर कर रहे हैं। अंत में उनको पता है कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद और कहीं ना कहीं ये मछली और मटन से ही उनका काम चलने वाला है, इसलिए वो मजबूर है, मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, न महंगाई पे, न बेरोजगारी पे, न महिला सुरक्षा पे। और वही हाल जो है वाजपेयी जी का भी हो गया है। मौसम विज्ञानी बहुत अच्छे हैं, मौसम खराब हो गया है वाजपेयी जी, 4 जून के बाद मौसम का हाल जो है बदलने वाला है, अभी भी मौका है, मैं आमंत्रण दे रहा हूँ, आइए। मौसम का वो अभी तक सबसे अच्छे वैज्ञानिक हो रह चुके हैं, अगर ऐसा होगा तो पहली बार वो मौसम वैज्ञानिक नहीं कहलाएंगे। केके जी के पास आना चाहता हूँ, घनश्याम जी और आनंद जी के पास आना चाहता हूँ, डिबेट के टुवर्ड्स दी एंड। मैं कह रहा हूँ केके जी, मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम इज अगेन, मैं कम बैक कर आना चाहता हूँ, कल रॉबर्ट वाड्रा जी के पोस्टर्स, आज जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का डिक्लेरेशन कन्नौज के दिन पे, जो सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी रायबरेली, जहाँ कांग्रेस का वोट शेयर कम होते जा रहा है, क्या ये एक्ट ये बता रहा है कि बीजेपी फ्रंट फुट पे आ गई है इस पूरे के पूरे इलेक्शन में? आप लोग डेस्क में को लग रहा है आप लोग थोड़ा घबरा तो नहीं गए केके जी? मुझे लग रहा है आप घबरा गए, कल तक जीजा जी मैदान में तो आपको लग रहा था ठीक है, अब शायद घबरा गए। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन एक कमेंट्स में जरूर कर दूं अखिलेश जी के एक बयान पर। जब आज उनसे पूछा गया तो उन्होंने बयान दिया कि अब उत्तर प्रदेश में मैथिल सजेगी। प्रदीप जी, ये लोकतंत्र का पर्व है, ये मैथिल नहीं है जहां डांस होते हैं, ये सफाई की तरह डांस नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं जो है मैथिल नहीं सज रही है, देश में चुनाव हो रहा है, लेकिन इनका लोकतंत्र के प्रति सम्मान कितना है और स्तर क्या है, इससे आप समझ सकते हैं विपक्षियों के गठबंधन का, उनकी शब्दों से समझ सकते हैं। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैंने 3 बार पूछा, 4 बार पूछा कि आप ये तो बताइए सोनिया गांधी क्यों नहीं चुनाव लड़ रही, क्यों मैदान से भाग गई? 5 साल तो वो रहेंगी बैकडोर से, पिछले दरवाजे से राज्यसभा में आ गई, हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहाँ पर। और एक मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ, ये सच्चाई क्या है, ये जो आप बार बार वाड्रा का नाम ले रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा, ये वाड्रा, वहाँ उन्होंने अपना पोस्टर लगा दिया, ये भाई बहन और जीजा के बीच में एक आंतरिक घमासान है, ये सत्ता के हस्तांतरण का घमासान है। और ये बात मैं कोई ऐसे वैसे नहीं कर रहा हूँ प्रदीप जी, आप इन्हीं रॉबर्ट वाड्रा के आज से 1 सप्ताह पहले के सारे इंटरव्यू जो घूम घूम के सारे चैनल में दिया कि मुझे देश भर से कहा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, और कान पूरा गांधी परिवार कान में रुई डाल के बैठा है, इसलिए बैठा है क्योंकि वो जो घर के अंदर जो घमासान है, आज तक प्रियंका गांधी को भी ये लोगों ने टिकट नहीं दिया। इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा का एक बहुत पॉइंटेड प्रश्न जो उत्तर है, वो कहते हैं कि पहले प्रियंका गांधी जाएगी संसद में, फिर मैं जाऊँगा संसद में, यानी वो रायबरेली में भी क्लेम कर रहे हैं और अमेठी में भी क्लेम कर रहे हैं। तो ये जो घर का आंतरिक कलह है ना, वो खुल के बाहर आ चुका है गांधी परिवार से। अब इसमें बड़ी चीड़ लगेगी, इनका प्रवचन खत्म हुआ, लेकिन हमें ऐसा है भैया, प्रवचन सुन लो, नहीं 10 पे 10 नहीं, ये कोई मोनोलॉग नहीं है, अगर आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवचन सुना जाए तो फिर सुनते रहिए। नहीं नहीं, प्रवचन की बात नहीं है, यहां पर अगर अगर एंकर है, एंकर है, समझ नहीं आया क्या?
मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए आप निजी मेरी बात सुनिए, घनश्याम जी, घनश्याम जी मिनट से घनश्याम जी आपके अलायंस पार्टनर जी बोल रहे हैं, सुनिए एक समय, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, पिछली डिबेट में 40 मिनट आपने जीता था, मैंने बड़े बड़े सम्मान से प्रवचन सुना, बड़े सम्मान आपके से मेरी बात सुनिए, आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ, आपसे ना आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ, जस्ट बिकॉज़ मेरी बात सुनिए, सुब्रत पाठक के हाथ के लिए, सुब्रत पाठक जिनके ऊपर अपहरणकर्ताओं के लिए पुलिस से हाथापाई करने का आरोप लगा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, वो गुंडागर्दी वाली भाषा में, गुंडागर्दी वाली भाषा में बात करते हैं, तो कन्नौज के लोग कह रहे हैं कि कन्नौज से अपनी बात दुर्गंध मिटने वाली है, कन्नौज की सुगंध आने वाली है, इसी तरीके से अमेठी और रायबरेली को उसका परिवार मिलने वाला है, पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी की, महंगाई की, नफरत की दुर्गंध फैला रखी है और उस दुर्गंध को सुगंध में बनाने का समय आ गया है, ये दुर्गंध लाने वाले लोग जिन्होंने देश को नफरत में बांटा, बेरोजगारी में घटाया, जिन लोगों ने देश में महंगाई बढ़ाई, इस दुर्गंध को जनता मिटाना चाहती है और उस दुर्गंध को मिटाने का प्रयास अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कन्नौज से शुरू हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का दुर्गंध पूरा उत्तर प्रदेश में भी मिटेगा, देश में भी मिटेगा, और ये जो महफिल की बात करते हैं के शर्मा, जो महफिल की बात करते हैं, अखिलेश यादव ने बोला है कि किस तरीके से इन लोगों ने सूरत के लोगों से उनके लोकसभा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार छीन लिया, जब इन्होंने प्रेशर डाल करके, जैसा कि इनके जनरल सेक्रेटरी ने बताया तावड़े साहब ने, प्रेशर डाल करके इन लोगों ने अनेक कैंडिडेट्स को बिठाने की कोशिश की, जो सूरत में जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां के वोटरों से उनका अधिकार छीन ले, वो आज डर रहा है, मेरे पास डर रहा है कि कन्नौज को उसका परिवार वापस मिल रहा है, मेरे पास उसका परिवार वापस मिल रहा है, मैं आप सबके पास बने रहना चाहता हूं, मनीष कश्यप की दुर्गंध मिटने वाली है और देश में रोजगार के अवसर आने वाले हैं, वो अब सब आप लोगों ने अपनी बात रखी पर मैं अभी तक नहीं समझ पाया टाइमिंग उसी वक्त क्यों हुई है, जिस समय गांधी परिवार ने टाइमिंग उसी वक्त क्यों चुनी है, और राम मंदिर में भी उसी वक्त जाने का क्यों फैसला किया गया है, राम मंदिर में भी उसी वक्त जाने का क्यों फैसला किया गया वायनाड के बाद में, मनीष कश्यप जनता ने मान लिया है, मन बना लिया है, अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में नारा, मनीष कश्यप मेरे साथ, मनीष कश्यप भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष कश्यप मुझे एक सीधी बात बताइए, आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, आपने सिर्फ बीजेपी क्यों ज्वाइन करी है, मेरा सीधा सवाल आपसे, मैं चाहूंगा डिबेट भी पूरी तरीके रहे, जो राष्ट्र के साथ खड़ा रहेगा, सुनिए मेरी बात, आप सब यहाँ पे तो कह रहे हैं पूरे के पूरे डिबेट में कि भाई इस बार जो है हवा भाजपा के खिलाफ है, राहुल जी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान के अंदर उतर रहे हैं, आप एक फेमस यूट्यूबर भी रह चुके हैं, सिर्फ बीजेपी क्यों ज्वाइन करी आज आपने, 250 से कम सीटों पे जो है कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस तो अपने दम पे कभी सरकार बना ही नहीं पाएगी, कांग्रेस बैसाखियों के सहारे अभी चल रही है और परिवारवाद का प्रकाष्ठ जो है वो कांग्रेस है। मैं बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया कि बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है और सनातन धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान भी करती है और सम्मान की भी बात करती है। यहाँ पे तो कांग्रेस वाले बात करते हैं कि पहला अधिकार इनका है तो पहला अधिकार उनका है, अब जरा बताइए कि जो पार्टी जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या को देश में बसाने की बात करे उस पार्टी के साथ कोई राष्ट्रवादी जाने का प्रयास भी नहीं करेगा, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और हाँ, आपकी कितनी फॉलोइंग है, आपकी काफी, आप जो है ग्राउंड पे, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप इसी पे चीज रहे, इस पे आगे मैं चीज करूंगा, मैं डिबेट में वापस आना चाहता हूं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आनंद दुबे जी देखिए ये व्यक्ति की बिहार में काफी फॉलोइंग है और ये जाके आज बीजेपी ज्वाइन करते, आप लोग समझिए, ऐसा तो नहीं आप लोग यूथ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आनंद दुबे जी ऐसा तो नहीं आप यूथ, आनंद दुबे जी और के जी रहेंगे, आनंद दुबे जी आप यूथ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप सनातन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि भाई जमीन का सेंटिमेंट क्या है, आप इस वक्त जो है वायनाड के बाद में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, तो लोगों के मन में दो जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए, लोगों के मन में दो थॉट प्रोसेस आ रहे हैं। प्रदीप जी, अरे प्रदीप जी बोलने तो दीजिए, आप इतना धारा प्रवाह बोलते हैं कि सामनेला भैया, मैं बाला साहेब ठाकरे जी के भाषण भी सुनता था और सब करके सुनता था, आपको उनसे चीज करना चाहिए, हम तो धारा प्रवाह बोलेंगे। अरे सुनिए तो मनीष, जवाब दीजिए, आज आप जवाब कम, थोड़ा ठंडा जवाब दे रहे, बैकफुट पे आ जाओ, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग कांग्रेस ज्वाइन नहीं करते हैं,
अरे भाई पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में नौजवान रोज कोई न कोई दल ज्वाइन करते हैं उनकी विचारधाराओं से प्रेरित होके, तो इस एक मनीष कश्यप जी के बीजेपी ज्वाइन करने से अब क्या पूरा भारत का नौजवान बीजेपी थोड़े ना ज्वाइन करने लगेगा? नौजवानों से पूछिए ना कि उनकी 2 करोड़ नौकरियां कहां है, नौजवानों से पूछिए ना कि उनके घर की इस समय स्थिति क्या है, उनसे पूछिए ना कि जो घर में गैस का सिलेंडर है उसमें गैस कितनी महंगी पड़ रही है, जब नौकरियों के लिए कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसकी क्या स्थिति बीजेपी ने कर दी है, पूछिए ना उस नौजवान से। केवल एक नौजवान को ढूंढ तो अपने तारीफ में कसाने पड़ेगा। ये आजकल शिवसेना उद्धव ठाकरे के तो प्रवक्ता कम है, कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा हो गए, इसलिए इनसे मेरे को पूछना पड़ेगा कि जो कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े नेता गठबंधन में भाग रहे हैं, तो अरे गठबंधन नहीं, आप सोनिया सेना के आप हिस्से हो, आप शिवसेना थोड़ी ना, नाम है ना आपके पास, निशान है, क्या है आपके पास? आप इंडिया गठबंधन बोलने में क्यों परेशानी है? अरे इंडिया से नफरत क्यों करते हो? सोना सेनिया करने इंडिया गठबंधन के नेता है। अब मुझे मैं बात पूरा कर दूं, जेपी नड्डा सेना तो मैं नहीं बोल पाऊंगा आपको यार। नहीं, कांग्रेस पार्टी से लगातार लोग पार्टी छोड़ छोड़ के इनके बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, उस पे इनकी बोलती बंद है, देश भर में कह रहे हैं लोग कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के आधा से भी कम गांधी परिवार और भाजपाइयों ने कांग्रेस ज्वाइन किया। उद्धव ठाकरे जी पार्टी को कोई झांकने तक नहीं कह रहा हूँ। एके वाजपेयी जी आप भी बिहार से, एके वाजपेयी जी मस्त हो। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, आज ना मैं कह रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे, आज मेरे को डिबेट में कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। आज मैं पहली बार डिबेट में नहीं, एके वाजपेयी जी और मनीष कश्यप को दिखाएंगे। एके वाजपेयी जी भी बिहार से भाई, मेरा सीधा सवाल है, ये मनीष कश्यप जो है इस वक्त ज्वाइन की, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है बात हो रही है, एके वाजपेयी जी क्या जो ये टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने की भी जो टाइमिंग है, वो सिर्फ टाइमिंग इसीलिए है क्योंकि वायनाड का चुनाव है, उसके बाद ही मंदिर जाया जा रहा है? उसके पहले भी तो जाया जा सकता था, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो चुकी है, 22 जनवरी के बाद से अब तक कितना फरवरी मार्च, अब ये अप्रैल चालू, तीसरा महीना चालू हो चुका है। एके वाजपेयी जी क्विक, फिर मनीष कश्यप। देखिए जब इनको निमंत्रण भेजा गया तो इन्होंने मौका मिस कर दिया, जनता में संदेश चला गया, अब उसको आप थोड़ी रेक्टिफाई करने से हो जाएगा। एक घर में जब शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, इतना जबरदस्त मंदिर का शिलान्यास करके उसका उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो उस वक्त जाना चाहिए था। अब जाए ना जाए, अब अपने स्वार्थ के लिए जाएंगे तो उसको क्या मैसेज जाएगा? और देखिए पॉलिटिक्स में और लोकतंत्र में नेता की क्रेडिबिलिटी होती है। मनीष जी बैठे हुए हैं, मनीष जी ने अभी बताया क्यों ज्वाइन किया है। मनीष जी आपको कांग्रेस में एक, मनीष जी क्रेडिबिलिटी है, एक जी आपने क्रेडिबिलिटी की बात की, एक सेकंड मनीष जी, आप मनीष तुमने ज्वाइन क्या चीज करके, तुम युवा हो, तुमको कांग्रेस में नहीं दिखी क्रेडिबिलिटी? देखिए कांग्रेस में राहुल गांधी का भविष्य खुद खतरे में है, प्रियंका गांधी जी का भविष्य खुद खतरे में है, रॉबर्ट वाड्रा बार बार भविष्य अपना कांग्रेस में बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य नहीं बन पा रहा है, तो देश के युवाओं का भविष्य वहां पे कहां से बनेगा? नहीं बनेगा। ये कह रहे एक सेकंड, मैं कांग्रेस से लेना चाहता हूं, प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, क्या सनातनी युवा आज आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? क्या सनातनी युवा आपसे, आपके लीडरशिप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? कन्हैया कुमार हो रहे हैं, पर क्या सनातनी युवा नहीं कनेक्ट हो पा रहा है? प्रोफेसर प्रदीप जी, युवा जो है युवा होता है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए जीता है, वो सनातनी और धार्मिक और अधार्मिक नहीं होता है, मैं मानता हूं। जहां तक बात आपने जिस महानुभाव को दिखाया है, नौजवान है, अच्छे हैं, पर अभी कुछ महीने तक वो जेल में भी रख कर आए और किन कारणों से आए थे पूरा देश जानता है। मैं बता देना चाहता हूं, 10 सेकंड अभी ये जो है चुनाव में भाजपा के विरुद्ध अभी लगे हुए थे, अभी तो शायद नॉमिनेशन भी कर दिया था आपने, नहीं किया हो तो बात नहीं, क्या डील हुई भाजपा से जरा ये जरूर आप प्रदीप जी के इस शो के माध्यम से जनता को बताइए। मैं बेतिया से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, बस इतना ही बोलूंगा। अचानक क्या हो गया कि आप चुनाव से बाहर हो गए? अभी तक तो आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मेरे ऊपर NSA लगा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया।
दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट दोस्तों केस को हटा दिया। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इस युवा के, कोई भी युवा को ठीक है। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी दो बातें, दो मेरे पास समय इतना ही था। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, घनश्याम जी, आनंद दुबे जी और एके वाजपेयी जी, मेरी दो ही बातें हैं। पहला, किसी भी युवा के ऊपर एनएसए की धारा लगाकर उसको जेल में भेजना सरकार के दमन का प्रदर्शन है। दूसरी बात, इस वक्त सीधी बात है, राहुल जी प्रियंका जी कहीं से भी कंटेस्ट करे ये उनका हक है, पर सवाल ये पूछा जा रहा है इसका डिक्लेरेशन सिर्फ वायनाड की वोटिंग के बाद ही क्यों हुआ है। इस सवाल का जवाब कांग्रेस को देना होगा कि क्या कांग्रेस को लग रहा है वो बैकफुट पे है, या उसको लग रहा है कि अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस के मेन नेता बन जाएंगे तभी राहुल जी को मैदान में उतारा जा रहा है। Z News.